भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, कश्मीर कभी जलवा था, आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। जो कश्मीर कभी अशांत था, उग्रवाद की आतंक उलगावाद की चपेट में था, आज वो कश्मीर शांति की एक नई राह पर चला है, लोकतंत्र की एक नई राह पर चला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां परमिट सिस्टम था, उग्रवाद चरम पर था, आज उन राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार काम कर रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद समाप्त, अलगाववाद पूरी तरह समाप्त, आज विकास के नए पथ पर आगे बढ़ा है, एक नया विश्वास जागृत हुआ है। देश के अंदर जो नक्सलवाद था, खात्मा होते होते जिस देश में लगभग कभी 118-120 जनपद नक्सलवाद की चपेट में हुआ करते थे, आज 3 से 4 जनपद मात्र ऐसे हैं जहां पर नक्सली गतिविधियां थोड़ा दिखाई देती हैं, बाकी सब समाप्त हो गया। विरासत के सम्मान के लिए जो कदम उठाए गए, काशी तो जीता जागता उदाहरण है। काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है, उनके नेतृत्व का परिणाम है। अयोध्या में श्री राम जन्म पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत की विरासत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में प्रगाढ़ निष्ठा है, उसका परिणाम है। केदारनाथ धाम में पुनर्द्वार का जो कार्य चल रहा है, महाकाल के पुनरुद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, देश के अंदर अलग अलग तीर्थों में उसको उसकी पुरातन परंपरा के साथ जोड़ते हुए एक नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्य वर्तमान में हुआ है, ये पहली बार देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो कार्य हुआ है, काशी उसका जीता जागता उदाहरण है। हाईवे, रेलवे, वाटरवे, नए नए एयरपोर्ट, 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे भारत के अंदर, और 14 से लेकर के 2022 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए। आजादी के यानी 1947 से 2014 तक केवल 6 एम्स बने थे देश में, और 9 वर्ष में 15 नए एम्स का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरह हम पढ़ चुके हैं। हाईवे की स्पीड प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे, नेशनल हाईवे देश के अंदर